ऑलरेडी प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है हमारे जो ऑर्गेनिक एग्जॉटिक या लोकल ब्रीड के हाई यील्डिंग वैरायटीज वेजिटेबल्स के लिए, उनके लिए हमने अपने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं नवीन चौधरी साहब, उनके कहने पर तमाम सारे जो 10 डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर वैली के, वहाँ हमने ये मार्केट कायम कर रखे है, जिसका मेन मकसद यही है कि जो हमारे वेजिटेबल ग्रोवर्स हैं उनको एक प्लेटफार्म मिले जहाँ पर वह अपनी क्वालिटी वेजिटेबल बेच सके। ये विन विन सिचुएशन है, बेचने वाले के लिए भी अच्छी चीज़ है और ख़रीदने वाले को भी एक क्वालिटी मटेरियल एक मुनासिब दाम पर फराहम होता है। तो आज हम इसी सिलसिले में यहाँ सुंबल आए थे। यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा का जो मेन वेजिटेबल ग्रोइंग बेल्ट है वो हमारा गनस्तान, सुंबल या शादीपोरा वगैरह इस साइड में पड़ता है। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट की जो हमने ऑर्गेनिक मंडी वेजिटेबल की कायम कर रखी है वही सुंबल में हमने रखी है। तो इसमें जो मेन मार्केट है हमारा जो इरिगेशन कॉलोनी में सब डिवीजन सुंबल का जो ऑफिस पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ फुटफॉल लोगों का बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ हमने SDM साहब के से बात कर ये मंडी यहाँ कायम कर रखी है, जहाँ हमारे जो वेजिटेबल ग्रोवर्स इस साइड के गनस्तान, सुंबल, शादीपोरा साइड के, वो अपना क्वालिटी मटेरियल लाकर यहाँ लोकली बेचते हैं। साथ साथ हमने उनको एक रेफ्रिजरेटर वैन की भी फैसिलिटी रखी है, जो भी लोकल प्रोडक्शन के अलावा ज़्यादा इनको प्रोड्यूस निकलता है, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि और ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी, फिर जो हमारे ऑलरेडी इनको एक रेफ्रिजरेटर वैन की फैसिलिटी मुहैया कर रखी है, वो उसका इस्तेफादा करते हुए वो अपनी ये सब्ज़ी इस डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी जम्मू या बाकी या लद्दाख की तरफ ले जा सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये फैसिलिटी यहाँ कंटिन्यू रहे तब तक जब तक हमारा वेजिटेबल सीज़न रहेगा, और हमने SDM साहब से अपने SDO के ज़रिए से ऑलरेडी रिक्वेस्ट की है कि ये फैसिलिटी और एक दो जगह भी एक्सटेंड हो जाए, ताकि हमारे ग्रोवर्स इस सब्ज़ी को ऑन डेली बेसिस यहाँ के लोकल पॉपुलेशन में बेच दें, और एक्सपोर्ट करने के लिए भी जो आप बाहर की मंडी है वहाँ तक ले जाने में हम इनको इस रेफ्रिजरेटर वैन की सुविधा फ्री रखते हैं, सिर्फ इनको तेल का खर्चा उसमें देना पड़ता है। एग्रीकल्चर और जो अलाइड सेक्टर्स हमारे हैं, ये तो वरासती तौर पर हमारे लिए एक इसके जो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग रिसोर्स रहे हैं, और एग्रीकल्चर में भी हमने कोशिश किया, चाहे एपिकल्चर है, मशरूम है, या उसके साथ साथ यही वेजिटेबल प्रोडक्शन है, या इसके साथ सीड प्रोडक्शन का जो शोबा है, यहाँ पढ़े लिखे नौजवान खासकर जो रूरल एरियाज़ में जिनकी अपनी लैंड अवेलेबल है, तो उनको उस नौकरी के पीछे पढ़ने के बजाय अगर वो पढ़ाई लिखाई करना, तो वो तो शुक्र अल्लाह ताला का है कि वो उसमें जितनी ज़्यादा मेहनत करके जितनी पढ़ाई कर सके तो अच्छा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के बजाय दे कैन बी एम्प्लॉयमेंट गिवर्स, वो और लोगों को भी इसके साथ साथ अपने साथ एम्प्लॉयमेंट में जज़ब कर सकते हैं, अगर वो 2-3 कनाल ज़मीन पर यही एग्जॉटिक हाइब्रिड वेजिटेबल्स की काश्त करेंगे। मार्केट फैसिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, हमारी उनको यही गुजारिश होगी कि हमारे जो लोकल एग्रीकल्चर ऑफिस है उनके साथ राबता कायम करें, वो उनको 1-2 कुनाल में 1 साल का क्रॉपिंग कलैडर बना के दे देंगे, और अगर वो उन अहकाम पर और जो क्वालिटी प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देंगे तो अच्छी तरह से 1-1.5 लाख 1-2 कुनाल से उनकी सब्ज़ी की काश्त में 1 साल का मुनाफा होगा। शुक्रिया।